हैदराबाद में आईपीएल 2024 के एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले के 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 2 रन की दरकार थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने खतरनाक रूप धारण किए रोमन पावल को आउट कर हारी हुई बाजी पूरी तरह से पलट दी। राजस्थान के रजवाड़ों को मेजबान सनराइजर्स ने 1 रन से हरा दिया। आपको हैदराबाद में लहराए भगवे की हर एक दिलचस्प बात बताएंगे, लेकिन बात पहले आज के मैच की करते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की टक्कर मजबूत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। अगर आज मुंबई हारी तो प्लेऑफ से बाहर होना तय है। हेड टू हेड आंकड़े की बात करें तो मुंबई का केकेआर पर दबदबा रहा है। अब तक खेले गए कुल 32 मैचों में से मुंबई ने 23 मुकाबले जीते हैं, वहीं केकेआर को सिर्फ 9 मैचों में जीत मिली है। लेकिन इस सीजन कहानी एकदम उलट रही है। पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ केकेआर दूसरे स्थान पर और 6 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस की टीम 9वें स्थान पर है। मुंबई में तापमान आज 34 डिग्री और ह्यूमिडिटी 50% के आसपास रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन दूसरी पारी में बॉल गीली हो सकती है, जिससे चेस करने वाली टीम को फायदा होगा। यानी दोनों ही कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। इस बेहद ही क्रूशियल मुकाबले में एमआई के 5 वीवीआईपी प्लेयर कौन हो सकते हैं, इस पर नजर डालते हैं। इसमें पहला नाम रोहित शर्मा का है, टीम इंडिया के कप्तान और एमआई के पूर्व कप्तान। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, कप्तान हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये 5 दिग्गज आज ये तय करेंगे कि मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी या नहीं। वहीं केकेआर के 5 वीवीआईपी की बात करें तो बिना किसी संकोच पहला नाम तो सुनील नारायण का ही है। इसके अलावा फिलिप सॉल्ट, एंड्रे रसल, रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती। वानखेड़े में स्पिनर्स पर भी निगाहें होंगी तो शुरुआती ओवर्स में बुमराह कहर बरपा सकते हैं, यानी मुकाबला पूरी तरह से कमाल का होगा। अब कल के हाई वोल्टेज मुकाबले की बात करते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भुवनेश्वर कुमार की लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी गेंद पर राजस्थान को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम लक्ष्य से महज 1 रन दूर रह गई। इस जीत के साथ हैदराबाद की टीम 12 अंकों के साथ टॉप 4 में पहुंच गई, जबकि राजस्थान की 10 मैचों में यह दूसरी हार है। हालांकि वो 16 अंकों के साथ अब भी शीर्ष पर मौजूद है और उसके प्लेऑफ में पहुंचने के लगभग सभी चांस पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। मैच में दोनों ही टीमों के कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात प्लेयर ऑफ द मैच भुवनेश्वर कुमार की ही करते हैं, जिन्होंने 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। विश्व कप के लिए भूमि का टीम इंडिया में चयन नहीं हुआ है, जिसके बाद उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। भुवनेश्वर ने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे आईपीएल 2024 में 2 शतक लगाने वाले जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन को पारी की पहली ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। शुरू के 2 ओवर में भूमि ने महज 12 रन खर्च किए और आखिरी ओवर में तो पूरी महफिल ही लूट ली। एसआरएच की ओर से युवा अनकैप नीतीश रेड्डी ने तूफानी बैटिंग करते हुए 42 बॉल में 3 चौके, 8 छक्के और 180 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 76 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनका बखूबी साथ दिया इनफॉर्म हेनरी क्लासन ने, जिन्होंने महज 19 बॉल में 3 चौके, 3 छक्के और करीब 222 की स्ट्राइक रेट से 42 रन की शानदार पारी खेली। जबकि ओपनर ट्रेविस हेड ने भी अर्धशतक लगाते हुए 44 बॉल में 6 चौके, 3 छक्के जड़ते हुए 58 रन बना दिए। राजस्थान की ओर से यूजी चहल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 4 ओवर में बिना विकेट लिए 62 रन लुटा दिए। उनका बहुत ही महंगा स्पेल रहा। अगर बैटिंग की बात करें तो राजस्थान के लिए युवा रियान पराग ने सर्वाधिक 77 रन बनाए। 49 गेंदों में 8 चौके, 4 छक्के और स्ट्राइक रेट करीब 158 का रहा। वहीं ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 40 बॉल में 7 चौके, 2 छक्के लगाते हुए 67 रन बनाकर अपना फॉर्म सबको एक बार फिर दिखा दिया। आज कौन सी टीम आईपीएल की इस राइवलरी में बाजी मारेगी, इस पर नजर गड़ाए रखिए, क्योंकि आईपीएल 2024 का प्लेऑफ अब धीरे धीरे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रहा है, यानी रोमांच भी अपने चरम को पार कर देगा। साथ ही सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी को, यहां आपको आईपीएल की हर एक खबर मिलेगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।